अगली खबर बेतिया से, जहां पर स्वागत और विजय जुलूस के बीच यूट्यूबर मनीष कश्यप अपने घर पहुंचे। मनीष के घर पहुंचते ही मनीष की मां ने बेटे की आरती उतारी और गले लगा लिया। तो दूसरी ओर मनीष कश्यप ने अपने समर्थकों का अभिवादन किया और बिहार को बदलने का आह्वान किया। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में मनीष कश्यप ने कहा कि संघर्ष की लड़ाई यही नहीं रुकने वाली है। मनीष कश्यप से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। लंबे समय बाद मनीष कश्यप अपने गांव पहुंच गए हैं और हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। देखिए, माता के साथ बैठे हुए हैं और माँ ने विशेष तैयारी कर रखी थी अपने बेटे के स्वागत के लिए। तो कल से हम लोगों ने तस्वीरें दिखाया था और सीधे तौर पर मनीष कश्यप से बात करते हैं। इतनी लंबी लड़ाई को कैसे देखते हैं? अगर मेरी माँ नहीं होती, मेरा भाई नहीं होता, तो शायद मैं ये लड़ाई नहीं जीत पाता। मेरा घर देखिए, एक चीन के युद्ध में लड़ने वाला मेरे दादाजी, उनका ये घर है। मेरे नाम पे नहीं है, मेरे पिताजी के नाम पे नहीं है, मेरे चाचा के नाम पे नहीं है, मेरे बड़े पापा के नाम पे नहीं है। इस घर का कुर्की किया गया सर, इस घर का कुर्की किया गया। ये आग जो है ना, ये सीने में ऐसा जल रहा है ना, और उस घर का कुर्की किस लिए किया गया था पता है? मैंने एक मदन हाजरा का बेटा के दिल में छेद था, 9-10 साल का बच्चा था। उन्होंने कमा के अपना जमा पूंजी जो है बैंक में जमा किया था कि मैं उस पैसे से अपने बेटा का इलाज कराऊंगा, और वो बैंक से गायब हो गया था। मैंने पूछा कि नेट बैंकिंग यूज करते हैं? तो नहीं। मोबाइल बैंकिंग नहीं, एटीएम कार्ड नहीं, तो पैसा गायब कैसे हुआ? उन्होंने बोला कि मनीष जी आप लड़ सकते हैं, आप मेरे लिए आवाज उठाइए। उनके लिए आवाज उठाया, मदन हाजरा का बेटा का जान बचाना था। मेरे ऊपर मैनेजर साहब ने केस कर दिया कि मनीष कश्यप आके उपद्रव मचाए हैं बैंक में, जबकि मैंने बैंक के बाहर वीडियो बनाया था। उस केस में मेरे घर का कुर्की हुआ। कुर्की करने वाले लोगों को इतना पता होना चाहिए, मेरे घर में चापाकल है, उस चापाकल को उखाड़ लिया गया। कोई मोटर नहीं है, कोई टंकी का पानी नहीं है, देख सकते हैं, देखिए इस घर को, ये मेरा घर है। ये उम्मीदों का बिहार बदलता हुआ बिहार है, और बिहार का उम्मीद भी बदल गया है। अब जो लोग दीमक की तरह कुर्सी पे बैठ के बिहार को नोचते थे, खाते थे, उन लोगों से बिहार को अब उम्मीद नहीं है। देखिए, इस घर को कुर्की किया गया, इस गेट में क्या है? एक लात मारिएगा, अंदर घुस जाइएगा, एक लात। हमें डर नहीं है कि चोर आएगा हमारे घर में, क्योंकि हमारे घर में कुछ नहीं है, आएगा ही नहीं, नहीं डर है। ये देखिए, ये मेरे भगवान का घर है, इसमें तो गेट ही नहीं है। मेरी छोटी भाई की पत्नी इस घर में रहती है, उसका दरवाजा तोड़ दिया गया, उसका दरवाजा तोड़ा गया। मिट्टी का घर है ये, पूरा पूरा मिट्टी का घर है। ये घर में मेरी मां रहती है, जाके देखिए उस घर को, उसका दरवाजा तोड़ दिया गया। मैंने गलत किया था ना, सजा मुझे मिलना चाहिए था ना। मैंने अगर सरकार के नजर में गलत वीडियो बनाया था तो सजा मुझे दो ना। मेरे कंपनी के सारे स्टाफ के ऊपर एफआईआर कर दिया गया, यूपी का स्टाफ है, बिहार का स्टाफ है, सबके ऊपर एफआईआर कर दिया गया। क्यों ऐसा किया गया मेरे साथ? वो आग जलेगा तो कुछ लोगों को जलाएगा जरूर, और उस आग को मैं बुझने नहीं दूंगा, चाहे मेरे साथ कुछ भी काहे नहीं हो जाए। क्यों ना हो जाए? आए बिहार के लोग और देखे मेरे साथ क्या हुआ था और मेरे साथ कैसे गलत हुआ। मेरी चाची यहां पे रो रही थी, बोल रही थी कि नहीं, मनीष कश्यप नहीं रहते हैं यहां पे, मेरा चापाकल को उखाड़ लिया गया, बगल में एक ही चापाकल है, पानी पे आप रोक लगाएंगे। पावन भूमि बिहार है, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं क्रांति लाऊंगा। माँ लगातार कल से स्वागत के लिए थी, माँ का भी संघर्ष। मेरी माँ जो है उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मेरे लिए लड़ते रही। क्यों नहीं पढ़े लिखे लोग जो है मेरे माँ के आंखों का आंसू पोंछने आए? सामने बढ़ो, सामने बढ़े ना। बेटा अभिलन बहुत खुश बनी, लेकिन जो डरी हुई है मेरी माँ, जैसन जे करी तैसन भगवान ओकर फल दिए। मेरी माँ जो है मुझसे कह रही है कि छोड़ दे सब बेटा, चलो दिल्ली, चलो मुंबई, चलो दूसरा जगह, हमारे मालिक कमाई हन, तू बैठ के खाई हा। निश्चित तौर पर मनीष कश्यप अपने गांव पहुंचे हैं, परिवार के साथ जरूर पहुंचे हैं, लेकिन बिहार को बदलने के लिए एक बड़ी हुंकार भी जरूर भरी है। मुन्ना राज, न्यूज 18, महना, पश्चिम चंपारण।